दोस्तों एमसीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बना दिया था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी इसमें काफी सारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि किसी किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है, किसी की स्टेप से आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये सर्वर बिजी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप लगातार ट्राई करते रहें, ये हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मॉर्निंग टाइम में कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, उस समय सर्वर पर ज्यादा लोड नहीं होता है इसलिए इजीली हो जाता है। तो जो पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है या फिर रजिस्ट्रेशन में स्टेप बाय स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कंटिन्यू ट्राई करते रहें। इसके लिए ब्राउजर चेंज कर लें, अपने कंप्यूटर की जो टेम्परेरी फाइल्स वगैरह हैं वो डिलीट कर लें। इसके अलावा आप जो टेम्परेरी फाइल के अलावा जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है कंप्यूटर की वो डिलीट कर लें, उसके बाद करें, हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, पेमेंट करने के बाद में हम च्वाइस फिल कैसे करें। तो च्वाइस फिल करने के लिए मैं वैसे पहले भी काफी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी जब च्वाइस फिल हो रही है तो अगर वो वीडियो किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं च्वाइस फिलिंग का। तो च्वाइस फिल करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो एक तो जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से जनरल EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनके मार्क्स हैं वो 610 से बिलो हैं, 610 से इनके मार्क्स लेस हैं, और दूसरे जो SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स 450 मार्क्स से बिलो हैं तो ये स्टूडेंट सभी कॉलेज फिल करें, यानी कि जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें टोटल कॉलेज फिल करें ये। इसके बाद में जो इनके अबोव मार्क्स वाले हैं 610 इन कैटेगरी के और SC कैटेगरी के 450 से अबोव वाले स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले अपने टॉप के कॉलेज फिल करें, सबसे पहले टॉप के कॉलेज फिल करें। ऐसा नहीं है कि जिस स्टूडेंट के 610 है उसको एम्स दिल्ली फिल करने में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं। हालांकि उसको मिलेगी नहीं, लेकिन आपने टॉप से लोवेस्ट के क्रम में फिल करनी है, आप उसको फिल कर सकते हैं। इसका मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि कंप्यूटर से सीट कैसे अलॉट होती है, आप किस हिसाब से अगर च्वाइस फिल करेंगे तो आपको पहले या बाद का कोई इसमें वो नहीं है, आपके नंबर तक अगर सीटें खाली हैं, आपके रैंक तक सीटें वैकेंट हैं तो वो आपको सीटें मिलेंगी। तो आपने टॉप कॉलेज पहले फिल करनी है, यानी कि टॉप से लोवेस्ट के क्रम में कॉलेज फिल करनी है आपको। इसके बाद में टॉप कॉलेज फिल करने के बाद में आपने जो ओल्ड एम्स हैं वो फिल करने हैं, एम्स दिल्ली को छोड़कर एम्स दिल्ली आपने ऊपर ही ऊपर फिल कर देना है। उसके बाद में जितने भी ओल्ड एम्स हैं वो आपने यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद आप अपने स्टेट की मेडिकल कॉलेज फिल करें, इसके बाद में स्टेट की मेडिकल कॉलेज फिल करें और उसके बाद में न्यू एम्स फिल करें। इसके बाद में आप न्यू एम्स फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए वर्कआउट कर लें, आपके बचे हुए जो कॉलेज नजदीक के सराउंडिंग के कॉलेज हैं वो फिल करें। दूसरी बात, इनमें ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कॉलेज फिल करते समय आपने फीस का काफी ध्यान रखना है। आप कॉलेज फिल करते समय फीस का ध्यान रखें, क्योंकि काफी कुछ सारी कॉलेज ऐसी हैं जिनकी फीस 1 लाख से ज्यादा है, किसी कॉलेज की फीस 4 लाख से भी ज्यादा है। तो आप फीस का ध्यान रखते हुए कॉलेज फिल करें। जो स्टूडेंट 610 से ऊपर के हैं वो ध्यान रखें, कॉलेज जिनकी फीस 4 लाख रुपए है वो फर्स्ट राउंड में उन कॉलेजों को अवॉइड करने की कोशिश करें। स्टेट का पहले अपने स्टेट का फर्स्ट राउंड देख लें, उसके बाद में ऑल इंडिया का सेकंड राउंड देखें, क्योंकि ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में भी आपको 50 से 60 के
नियर बाई सीटें वैकेंट मिलेंगी। तो इसलिए आप पहले अपने स्टेट का देख लें, उसके बाद में आप ऑल इंडिया का सेकंड राउंड देखिए, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कितने पर नंबर पर कट ऑफ जा रही है। तो इस प्रकार का आपने ये चॉइस फिल करते समय ध्यान रखना है। इसमें आप जो कॉलेज फिल करेंगे उसमें आप एजुकेशन के हिसाब से, उनमें जो टीचिंग फैकल्टी है उसके हिसाब से, पुरानी कॉलेज आपने पहले फिल करनी है, नई कॉलेज आपने बाद में फिल करनी है, तो इस प्रकार का आप ध्यान रखें। ये इसके बाद में अगर आपको ज्यादा जरूरत है, ज्यादा हेल्प लेने की जरूरत है, तो मैंने अपने बुक के लास्ट पेज पर, जो ऑल इंडिया की बुक है उसके लास्ट पेज पर कॉलेजें दी हुई हैं, 2020 के लिए अपडेट भी उसमें कर दिया है किस प्रकार से आपने चॉइस फिल करनी है, कौन से कॉलेज की कितनी फीस है, ये भी उस पेज पर मैंने लास्ट पेज पर ऑल इंडिया बुक पर बता रखा है उस पेज पे। और ईयर वाइज स्टेट वाइज भी उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी दे रखा है कि कौन सी कॉलेज कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई है और इसमें कौन सी कॉलेज कौन से स्टेट में है, ये भी बता रखा है ऑल इंडिया बुक में। तो वो आपके लिए काफी हेल्प रहेगी उस बुक से। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में वो बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। चॉइस फिल आपने बिल्कुल ध्यान से करनी है, ऐसी कॉलेज चॉइस फिल न करें जिसकी फीस ज्यादा हो और उसमें जो टीचिंग फैसिलिटी वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अवेलेबल नहीं हो। इस प्रकार की कॉलेजों से फिल करने से आप बच सकते हैं फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड एग्जिट राउंड है, ज्यादा अननेसेसरी कॉलेज आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। आप सेकंड राउंड में कॉलेज देख सकते हैं, फर्स्ट राउंड में आप कॉलेज छोड़ सकते हैं। किसी कॉलेज में आपको जाकर के रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप छोड़ना चाहें। अगर आप सेकंड राउंड के लिए वो सीट सेव करना चाहते हैं तो फिर उस सीट पर ज्वाइन कर ले और सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे दें। जब अपग्रेडेशन का ऑप्शन देंगे तो सेकंड राउंड में आपको जो सीट नई अलॉट होगी, अपग्रेड होगी, उस पर आपको ज्वाइन करना होगा, ये सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको सेकंड राउंड में सीट अपग्रेड नहीं होती है तो ये सीट फर्स्ट राउंड की एज इट इज ही रहेगी। तो ये रूल मैंने पहले भी वीडियो में बता दिए हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।